हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। मैं सुरेंद्र पांडे लेकर आया हूँ 6 सितंबर 2018 के करंट अफेयर्स। सो आज के जो है देखेंगे करंट अफेयर्स में कौन कौन से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे छाए रहे और कैसे ये आपके एग्जाम्स में लाभकारी सिद्ध होंगे। सो आज जो है हम लगभग 10 से 11 क्वेश्चन जो हैं डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चन से के अराउंड जो है हम जीके के मुद्दों को भी देखेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे हाईलाइट करूँ तो जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो पहले तो हम लोग सेक्शन 377 का देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे यूएस इंडिया रिलेशन, इनमें से जैसे ये दो मुख्य मुद्दे हम आज डिस्कस भी करेंगे। प्लस जो है आपका इसमें जो है आधा घंटा समय मैं आपसे चाहूँगा, और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे डेफिनेटली जो है लाइक करें, और आज मैं चाहूँगा कि आप लोग हमें जो है 700 लाइक्स तक ज़रूर पहुँचाएँ। और प्लस जो है अगर वीडियो अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हमें जो है फीडबैक देना ना भूलें। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर सेशन की। सो करंट अफेयर सेशन की शुरुआत करने से पहले कैसे हैं आप लोग, आई होप आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो शुरुआत करते हैं कल के क्वेश्चन ऑफ द डे से जो हमने आप लोगों से पूछा था। सो हमारा सवाल था द फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्ट बॉडीज इज कॉल्ड। तो दो चार्ज निकायों के बीच के फोर्स को क्या कहा जाता है, ए मस्कुलर फोर्स यानी मस्कुलर फोर्स, बी ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण फोर्स, सी मैग्नेटिक फोर्स या चुंबकीय फोर्स, डी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या विद्युत फोर्स। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या कहा जाता है, विद्युत फोर्स। ठीक है, सो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन से। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो है सेक्शन 377 पे है। सो हमारा क्वेश्चन है हु इज नॉट पार्ट, आपको यू हैव टू फोकस ऑन दिस, सो हु इज नॉट पार्ट ऑफ 5 जज सुप्रीम कोर्ट बेंच दैट स्ट्रक डाउन सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी यानी इंडियन पेनल कोड। सो 5 न्यायाधीश ये सुप्रीम कोर्ट की पीठ का हिस्सा कौन नहीं है जिसने आईपीसी की धारा 377 को रद्द कर दिया। तो आपके ऑप्शन है ए जस्टिस डीवाई चंद्रचूड, जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस फलीर नरीमन या फिर जस्टिस इंदु मल्होत्रा। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जस्टिस रंजन गोगोई। तो हमने जो कल देखा था कल के वीडियो में, सो जस्टिस रंजन गोगोई को जो है 46वें जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिनका नाम है दीपक मिश्रा, उन्होंने रिकमेंड किया है। सो रंजन गोगोई जो है इस 5 जज सुप्रीम कोर्ट बेंच के हिस्सा नहीं थे और ये जो है एक संवैधानिक बेंच थी। तो आइए एक्सप्लेनेशन में हम देखते हैं और थोड़ा 377 को डिटेल में भी देखेंगे। तो ये देखिए कि ये अपने आप में काफ़ी ऐतिहासिक जजमेंट है, क्योंकि अब तक जो था यानी 150 साल से क्या था कि जो भी मतलब कि अननेचुरल सेक्स था, अननेचुरल सेक्स से मेरा मतलब है कि जो भी मतलब कि पुरुष से पुरुष के बीच में या महिला के महिला से बीच में या फिर पुरुष से किसी मतलब कि ट्रांसजेंडर के बीच में, तो ऐसे अननेचुरल सेक्सेस को जो है क्रिमिनलाइज किया गया था। और यदि जो है जो सेक्शन 377 है और ये किसके तहत क्रिमिनलाइज था, सो सेक्शन 377 ऑफ इंडियन पेनल कोड 1860 के अंतर्गत जो है ऐसे अननेचुरल जो है सेक्सेस ये जो है क्रिमिनलाइज किए गए थे। तो इस अपराध के अंतर्गत क्या होता था कि अगर कोई पकड़ा जाता था तो उसे क्या या तो मतलब कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलता था या फिर जो है 10 साल की सजा सुनाई जाती थी। कितनी, 10 साल की। सो ये जो थे प्रावधान थे सेक्शन 377 के तहत। तो इसको जो है आज यानी कि सितंबर 6, 2018 को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक खंडपीठ ने जो है इसको स्ट्रक डाउन कर दिया और कहा कि ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल के अगेंस्ट है और ये जो है फंडामेंटल राइट्स का हनन करता है। स्पेशली कौन कौन से, आपके मैं यहाँ पे बता दूँ, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 21। सो इन तीनों का जो है ये वॉयलेशन करता है सेक्शन 377 एंड हेंस सेक्शन 377 शुड बी स्ट्रक डाउन। सो इट हैज बीन स्ट्रक डाउन बाय सुप्रीम कोर्ट। लेकिन हम आपको यहां पे बता दें कि जो सेक्शन 377 है उसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने पार्शियली स्ट्रक किया है, केवल उन केसेस को जो है उन केसेस में अपराधी मतलब कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 10 ईयर्स की सजा नहीं होगी या क्रिमिनलिटी या अपराध नहीं माना जाएगा जहां पे जो है कंसेंशुअल सेक्स है। आपको ये कंसेंशुअल सेक्स याद रखना है। सो जहां पे भी कंसेंशुअल सेक्स है, चाहे वो पुरुष से पुरुष हो या जो है महिला के बीच में हो, तो उस कंसेंशुअल सेक्स को जो है
सेक्शन 377 के तहत अपराध नहीं माना जाएगा। तो समलैंगिकता जो है अब अपराध नहीं है। हाउएवर, लेकिन यदि किसी जानवर के साथ या कोई और भी रिलेटेड क्लॉज है जिसके तहत जो है सेक्सुअल एक्टिविटी करते हुए कोई पाया गया, तो उसको अभी भी सेक्शन 377 के अंतर्गत जो है क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा और उसको जो है उम्र कैद या 10 साल की सजा हो सकती है। ठीक है, तो यही है, देखिए, एनी एक्ट विदाउट कंसेंट और एनी वन ऑफ पार्टनर्स वुड स्टिल इन्वोक क्रिमिनलिटी अंडर 377। तो आपको दो चीज़ याद रखना है कि पहला कि कंसेंशुअल सेक्स जो है ये इम्पॉर्टेंट है, और दूसरा इफ़ इट इज़ नॉट कंसेंशुअल देन जो है सेक्शन 377 के तहत जो पेनल जो है ऑफेंसेस वो लागू हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई हमने कहा कि इसे जो है सुप्रीम कोर्ट ने पार्शली स्ट्रक किया है, बिकॉज जो है ये केवल उन्हीं पे लागू है जहाँ पे कंसेंशुअल सेक्स है। ओके, सो देखते हैं अब ये पांच जजों की खंडपीठ में कौन कौन थे। सो पांच जजों की खंडपीठ में जो है आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा थे। कौन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? दीपक मिश्रा शामिल थे। इनके अलावा जो कौन कौन थे, जस्टिस फली नरीमन, ए एम खनविलकर, डी वाई चंद्रचूद और इंदु मल्होत्रा। सो इंदु मल्होत्रा, हमने जैसा पहले बताया है कि ये पहली महिला एडवोकेट है जो कि सीधे बार से सुप्रीम कोर्ट की जज बनी है। कौन? इंदु मल्होत्रा। ठीक है, तो आइए देखिए, हमने यहाँ पे टाइमलाइन दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो है 1994 में अबवा करके एक एनजीओ था, उसने केस फाइल किया था कि सेक्शन 377 को रिपील कर दिया जाना चाहिए। और ये कब किया था? जब तिहार जेल के अंदर जो मेल इनमेट्स थे उन्होंने कॉन्डम मांगा था, जो कि मतलब कि डिनाई कर दिया गया था। फिर 2001 में जो है सबसे पहली बार एक एनजीओ है नाज फाउंडेशन, इसने दिल्ली हाई कोर्ट में केस फाइल किया और इसके लिए जजमेंट आया था जुलाई 2009 में। दिल्ली हाई कोर्ट ने जस्टिस एपी शाह के अंडर जो खंडपीठ बैठी थी, जो चीफ जस्टिस भी थे उस समय दिल्ली हाई कोर्ट के, उन्होंने सेक्शन 377 को स्ट्रक डाउन किया आर्टिकल 14, 15 और 21 के अंतर्गत। लेकिन जो है दिसंबर 11, 2013 को सुरेश खोसला जजमेंट देते हुए, सुरेश खोसला जो है ये एक जो है वकील हैं जिन्होंने ये कहा कि जो होमोसेक्सुअलिटी है यानी कि LGBT, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ LGBT, सो लेस्बियन, गेज, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर, सो LGBT और प्लस क्यू मतलब कि क्वियर, सो यानी कि क्यू से मतलब है कि जो इस दुविधा में रहते हैं कि मैं मेल हूँ या फीमेल हूँ, सो ये LGBTQ। सो सुरेश खोसला ने कहा कि ये केवल जो है 0.3% ही कंस्टिट्यूट करते हैं, तो ये जो है अगर हम इनको ऐसा हक देते हैं तो ये सोसाइटी के अगेंस्ट होगा जो कि 99% कंस्टिट्यूट करते हैं। तो ऐसा कह के जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सुरेश खोसला के जजमेंट में कहा कि ये गलत है और दिल्ली हाईकोर्ट के जजमेंट को स्ट्रक डाउन करके जो है सेक्शन 377 को फिर से रिक्रिमिनलाइज कर दिया। ठीक है, लेकिन फिर 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया गवर्नमेंट को कि OBC कोटा के अंदर जो है थर्ड जेंडर के रूप में जो ट्रांसजेंडर्स को है इंक्लूड किया जाए, इससे जो है LGBT की उम्मीद जागी। फिर 2017 अगस्त 24 में सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टा स्वामी जजमेंट में ये कहा कि राइट टू प्राइवेसी जो है ये एक फंडामेंटल राइट है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, सो इसके तहत ही क्या हो गया, इसके अंतर्गत जो है आपका होमोसेक्सुअलिटी भी आ जाता है अगर वो कंसेंशुअल सेक्स है तो। सो जनवरी 2018 में लास्टली फिर जो है सेक्शन 377 जो कि पिटीशन फाइल किया गया, चैलेंज किया गया, तो उसको जो है 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास भेज दिया गया और सितंबर 6, 2018 को ये ऐतिहासिक जजमेंट आया। सो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। सो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हु इज द डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ द USA, तो अमेरिका के रक्षा सचिव कौन है? सो जिम मैटिस, माइक पोम्पियो, विल्बर रॉस या स्टीवन टर्नन मंचिन। सो करेक्ट ऑप्शन है जिम मैटिस। सो ये जो है डिफेंस से है, आपके माइक पोम्पियो जो है ये फॉरेन सेक्रेटरी है यानी सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट है, फॉरेन मिनिस्टर आप बोल सकते हैं इनको। विल्बर रॉस जो है ये कॉमर्स सेक्रेटरी हैं, कौन है ये, कॉमर्स सेक्रेटरी हैं या कॉमर्स मिनिस्टर भी बोल सकते हैं। और स्टीवन जो टर्नर मंचर है ये ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, कौन है ये, ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं यूएस के। तो ये न्यूज में क्यों थे, आइए देखते हैं। ये न्यूज में इसलिए थे क्योंकि जिम मैटिस और माइक पोम्पियो जो हैं ये दोनों भारत आए हुए हैं और आज जो है यानी कि 6 सितंबर को जो है नई दिल्ली में जो है 2+2 डायलॉग जो है दोनों देशों के बीच में संपन्न हुआ। सो 2+2 डायलॉग से हमारा मतलब है, मैंने बहुत पहले भी समझाया है, ये 2+2 है। तो ये इंडिया की तरफ से कौन कौन है, इंडिया की तरफ से आपका जो है सुषमा स्वराज, ठीक है, और कौन है, निर्मला सीतारमण, ठीक है। सो निर्मला सीतारमण कौन है, ये डिफेंस मिनिस्टर हैं, ठीक है,
ये और यूएस की तरफ से जो है दो लोग कौन है, जिम मैटिस और पॉम्पियो। कौन है? पॉम्पियो, ठीक है, माइक पॉम्पियो। सो ये दोनों जो है, इन दोनों के बीच में वार्ता हुई। सो इस वार्ता के दौरान जो क्या है, ये एग्री किया गया कि जो हाई लेवल कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी अरेंजमेंट यानी कॉम कासा, इसके तहत जो है दोनों देशों ने इस पे अग्री किया। और इसके तहत क्या है कि अब अमेरिका भारत को जो है, अब जो भी एडवांस्ड अमेरिकन मिलिट्री हार्डवेयर है वो अब सप्लाई कर सकेगा, ठीक है। सो ये एग्रीमेंट जो हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये एग्रीमेंट जो है ये इस कॉस्ट पे नहीं आया है कि भारत जो है रशिया से S-400 मिसाइल्स नहीं खरीदेगा। S-400 सरफेस टू एयर मिसाइल यानी सैम मिसाइल, S-400 जो है मिसाइल नहीं खरीदेगा, ये उसके कॉस्ट पे नहीं आया। यानी कि भारत के पास जो है ये रूम है कि वो रशिया के साथ भी अपने डिफेंस एग्रीमेंट्स को कर सकता है, लेकिन इसके साथ ही साथ जो है भारत कॉमकासा का भी हिस्सा बन चुका है। अब ये क्या होगा कि भारत जो है इसके तहत जो है यूएस भारत को कौन कौन से एडवांस मिलिट्री हार्डवेयर जो है कि दे सकता है, तो उनमें सबसे प्रमुख जो है गार्जियन है। सो गार्जियन जो है ये एक तरीके का फाइटर प्लेन है जो कि सॉरी गार्जी सो गार्जियन जो है एक तरीके का फाइटर प्लेन है। तो अब तक जो ये आता था गार्जियन जो फाइटर प्लेन था ये जो है बिना हार्डवेयर के आता था, लेकिन अब ये है मिलिट्री हार्डवेयर के साथ आएगा, ठीक है। गार्जियन ये फाइटर प्लेन नहीं है बल्कि एक तरीके का मतलब कि प्लेन ही है ये। प्लस जो है 2+2 डायलॉग की अगर बात करें, सो 2+2 डायलॉग ये जो है किसको रिप्लेस कर रहा है, जो इंडिया यूएस स्ट्रैटेजिक एंड कमर्शियल डायलॉग फॉर ट्रेड एंड कमर्शियल इशूज, सो इसको जो है ये रिप्लेस कर रहा है जो कि 2015 में आया था, ठीक है। सो इंडिया यूएस स्ट्रैटेजिक एंड कमर्शियल डायलॉग जो है इसको रिप्लेस करके जो है 2+2 डायलॉग जो है बन गया है। अब 2+2 डायलॉग जो है ये जापान ने ये फॉर्मेट दिया था, और ये पहली बार भारत ने 2+2 डायलॉग किसके साथ किया था, ये जापान के साथ 2010 में किया था, ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है 2017 में किया, और अब यूएस के साथ जो है किया। और ये उन्हीं देशों के बीच में होता है कि जिन देशों के जो मुखिया होते हैं, यानी कि जैसे कि भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति के बीच में जो रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो गया है, तो उन्हीं दो देशों के बीच में ये संबंध जो है 2+2 डायलॉग जो मैकेनिज्म है ये स्थापित होता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच इंडियन क्रिकेटर अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्मेट्स ऑफ क्रिकेट, सो किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से सेवानिवृत्ति की घोषणा की। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है आरपी सिंह। तो आरपी सिंह जो है ये लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर थे, ठीक है। सो इन्होंने जो है लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर थे, और इन्होंने जो है आज से 13 साल पहले यानी कि 13 साल पहले 13 ईयर को जो है 4 सितंबर को ही जो है इन्होंने जिम्बाब्वे के साथ अपना डेबिट किया था। सो जिम्बाब्वे के साथ इन्होंने अपना डेबिट किया था 13 साल पहले 4 सितंबर को, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है एट विच प्लेस एन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट विल नॉट बी सेटअप, सो किस स्थान पर भारतीय प्रबंधन संस्थान स्थापित नहीं किया जाएगा। तो आपके ऑप्शन है ए अमृतसर, बी बोधगया, सी सिरमौर या डी गुलबर्गा। तो ऑप्शन आपका जो करेक्ट है वो है डी गुलबर्गा, क्योंकि अभी जो यानी कि कल जो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक प्रपोजल पास किया जिसके तहत ये है कि 7 स्थानों पे जो है 7 स्थानों पे जो है भारत में 7 IIMs बनाए जाएंगे, परमानेंट कैंपस होंगे ये IIMs के। सो इसके साथ ही जो है 20 IIMs जो है ये जो है 2021 तक टोटली ऑपरेशनल हो जाएंगे। कितने? 20 IIMs। और जो पहला IIM है भारत का वो कौन सा है? वो IIM कलकत्ता है। कौन सा है? IIM कलकत्ता, जो 1961 में आया था। सो IIM कलकत्ता भारत का सबसे पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, ठीक है। सो गुलबर्गा में नहीं आएगा, और इन 3 जगहों पे आएगा, अमृतसर, बोधगया, सिरमौर, और जो बाकी 4 जगह हैं वो एक्सप्लेनेशन में है। कौन कौन से हैं देखिए, अमृतसर पंजाब में, बोधगया बिहार में, नागपुर महाराष्ट्र में, संबलपुर उड़ीसा में, सिरमौर हिमाचल प्रदेश में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, और जम्मू जम्मू एंड कश्मीर में। और इस पे जो कुल लागत आएगी वो कितनी आएगी? 3,775.42 करोड़ रुपए जो है इस पे कुल लागत आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच इज नॉट पार्ट ऑफ अम्ब्रेला स्कीम इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स,
यानी कि जो वन्य जीव आवास के एकीकृत विकास योजना यानी कि IDWH का हिस्सा कौन नहीं है, ये जो हटा दीजिए, ठीक है। सो वन्य जीव आवास के एकीकृत विकास योजना का हिस्सा कौन नहीं है, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, यानी कि प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल। सो प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल जो है ये 1975 में आया था, और ये जो है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स जो 11th प्लान में आया था, ठीक है, 11th प्लान में आया था, तो ये इसका हिस्सा नहीं है। तो क्या है कि ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि आपको 11th प्लान का जो है टाइम फ्रेम भी आपको याद रहना चाहिए। तो ये जो था 2006 से आपका 11 था, 11th प्लान का जो टाइम फ्रेम है तो उस दौरान आया था। तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स के कौन कौन से तहत प्रोजेक्ट हैं, प्रोजेक्ट टाइगर है, डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स है, और प्रोजेक्ट एलिफेंट है। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये आपका 1973 में आया था, ये आपका जो है 1992 में आया था, ठीक है। सो ये इनके तहत है। तो आइए देखते हैं, तो कैबिनेट कमेटी जो है यानी कि आर्थिक मामलों की जो कैबिनेट कमेटी है, उसने सितंबर 5 2018 को इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स को जो है 2019-20 तक एक्सटेंड कर दिया है, यानी कि 12th प्लान के बियॉन्ड भी एक्सटेंड किया है, क्योंकि 12th प्लान जो है आपका कब से कब था, आपका था 2012 से 17 के बीच में था, और ये मार्च 2017 में ख़त्म हो गया था। तो अब जो है इसको क्या है कि 2017-18 से लेकर 2019-20 तक एक्सटेंड कर दिया है। इसके तहत कौन कौन से स्कीम है, जैसे मैंने कहा कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर, डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स और प्रोजेक्ट एलिफेंट, और इसमें जो कुल लागत आएगी 1731.72 करोड़ रुपए आएगी। अब आइए जरा प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स के बारे में जानते हैं। सो प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये 1973 में आया था, और अगर 2015 के सेंसस की बात करें, 2015 के सेंसस की बात करें तो भारत में कुल जो बाघों की संख्या है वो 2226 है। कितनी? 2226। और सबसे ज़्यादा है कर्नाटका में, कर्नाटका में कितने हैं, 408 हैं। फिर है उत्तराखंड में, इसमें लगभग 340 हैं, और फिर है मध्य प्रदेश में, इसमें 308 हैं। तो कर्नाटका में सबसे ज़्यादा बाघ हैं, फिर उत्तराखंड में, और फिर मध्य प्रदेश में। और कुल जो टाइगर रिजर्व है भारत में कितने हैं, 50 टाइगर रिजर्व हैं, और ये जो है टोटल स्टेट्स जो हैं वो कितने हैं, 18 टाइगर रेंज स्टेट्स हैं, ठीक है। फिर प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में आया था, और ये जो है भारत में कुल 32 एलिफेंट रिजर्व्स हैं, और ये टोटल स्टेट्स कितने हैं, 23 एलिफेंट रेंज स्टेट्स हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट जो क्रोकोडाइल है 75 में आया था, और अभी जो क्रोकोडाइल है आपका नेशनल चैम्बल सेंचुरी है, और प्लस कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि यूपी में ही है, और चंबल आपका एमपी में है, चंबल सेंचुरी, और कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका यूपी में है। यहाँ पे जो है घड़ियाल पाए जाते हैं, और ये दोनों ही 1975 और 82 में जो है सेटअप किए गए थे। और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स ये जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना में शुरुआत हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला जो है क्वेश्चन है, इन अ फर्स्ट विच फाइटर एयरक्राफ्ट वॉज रिफ्यूल्ड इन मिड एयर बाय टैंकर एयरक्राफ्ट IL-78 MK-1। सो हाल ही में किस लड़ाकू विमान में टैंकर विमान IAL-78 MK-I द्वारा मध्य हवा में ईंधन भरा गया। सो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है HAL तेजास। सो HAL तेजास जो है यानी कि इसको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बना रहा है, और ये है एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। सो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है ये, ठीक है। और इसके जो है अभी तक जो है इंडियन एयरफोर्स ने अभी तक जो है 40 जो है मतलब कि LCA जो है अपने पास मतलब कि एक स्क्वाडन बनाया है, और टोटल जो HAL से डिमांड किया है वो 83 जो है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट डिमांड किया है, ठीक है। तो अब जो है वो अभी जो है एट प्रेजेंट वो इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस में है। किसमें है? इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस में है, और किसके पास है? IAF के पास है अभी ये, ठीक है। इनिशियल ऑपरेशन क्लियरेंस में इसको मिल चुका है, लेकिन अभी तक फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस नहीं मिला है, ठीक है। फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस जो है अभी इसको नहीं मिला है, ये मिल गया है, ये नहीं मिला है, ठीक है। सो देखिए आगे बढ़ते हैं। सो एक्सप्रेशन में अगर देखेंगे कि तेजस को जो है, तेजस में जो है सितंबर 4 2018 को जो रशियन बिल्ट IAF टैंकर एयरक्राफ्ट है IL-78 MK-I, सो उससे जो है LCA के अंदर जो है क्या है, ईंधन भरा गया।
तो टैंकर जो है इसको लॉन्च किया गया था आईएफ का जो इंडियन एयरफोर्स का जो बेस है आगरा में, और जो फाइटर एयरक्राफ्ट था उसको लॉन्च किया गया था ग्वालियर एयरफोर्स बेस से। और टेस्ट जो था इसमें क्या था, इट वाज अ ड्राई लिंकअप, यानी कि वेट लिंकअप नहीं था। वेट लिंकअप से मतलब ये है कि इल्यूश जो यानी कि आई एल 78, इल्यूश कहते हैं इसको, सो इल्यूश 78 टैंकर से अगर फ्यूल जो है डायरेक्ट जो है इसके अंदर LCA तेजस के अंदर भरा जा रहा है, यानी कि फ्यूल तरल पदार्थ ट्रांसफर हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं वेट टेस्ट। ये केवल क्या था, ये ड्राई लिंकअप ही था। तो ये रिफ्यूलिंग क्रिटिकल इसलिए है क्योंकि इससे क्या होगा कि तेजस को जो है फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस लेने में बहुत ही मददगार साबित होगा। और अभी जो है लेकिन उससे पहले 9 टेस्ट और करने हैं, और इसमें एक टेस्ट कौन सा है, वेट टेस्ट भी है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु वॉज re-elected, so who was re-elected as regional director of WHO South East Asian region, so WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में फिर से निर्वाचित किन्हें किया गया है, so आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह। सो डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह जो है ये पहली बार जो है 2014 में इसकी WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन की जो है रीजनल डायरेक्टर बनी थी, और ये पहली महिला थी। कौन थी ये पहली महिला थी जो कि WHO की रीजनल डायरेक्टर बनी थी, पहली महिला। ठीक है, सो अब देखिए, तो डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह को जो है 5 सितंबर 2018 को सेकेंड 5-ईयर टर्म के लिए जो है WHO CRO रीजन का रीजनल डायरेक्टर के रूप में नामित किया गया है। और डॉक्टर खेत्रपाल सिंह का जो टर्म होगा अगला 5 साल का टर्म, वो 1 फरवरी 2019 से चालू होगा। और जो है इनको इलेक्ट किसने किया था, इनको जो है WHO CRO रीजन के जो है 11 मेंबर्स उन्होंने इलेक्ट किया था। और ये इलेक्शन कब हुआ, जो रीजनल कमेटी की जो बैठक हुई थी नई दिल्ली में 3 सितंबर से जो चालू थी, तो उस दौरान जो है इन्हें इलेक्ट किया गया। तो अगर WHO CRO की बात करें तो जो साउथ ईस्ट एशिया रीजन है WHO का, ये 1948 में आया था, और ये 6 रीजन्स जो है WHO के अंदर आते हैं उनमें से एक था। सो 11 मेंबर स्टेट्स जो है इसमें कौन कौन से हैं, आपका बांग्लादेश है, भूटान है, आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, ठीक है, इंडिया है, इंडोनेशिया है, मालदीव्स है, म्यांमार है, नेपाल है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, और तिमोर लिस्ते है। तो ये जो है 11 स्टेट्स जो हैं इसके पार्ट हैं WHO CRO के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज ओवरड्राफ्ट लिमिट अंडर द न्यू ओपन एंडेड प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो नई ओपन एंडेड प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत ओवरड्राफ्ट की सीमा क्या है, सो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 10,000 रुपए। तो पहले ये 5,000 रुपए थी, अब जो है 10,000 रुपए हो गई है, और जो 2,000 रुपए है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, इस पे जो है नो कंडीशन अप्लाइड है। ठीक है, सो कोई इस पे कंडीशन अप्लाइड नहीं है इस ओडी फैसिलिटी पे। तो अगर एक्सप्लेनेशन में देखें तो ये जो ओपन एंडेड स्कीम है इसकी जो है कल जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपनी बैठक में 5 सितंबर को ये अप्रूव कर दिया। और इसके तहत हुआ क्या है, इस ओपन एंडेड स्कीम के तहत कि जो ओवरड्राफ्ट लिमिट है उसको 10,000 कर दिया गया है 5,000 से बढ़ाकर, और कंडीशन जो है इस पे जो 2,000 रुपये तक कंडीशन है ओडी पे, कोई कंडीशन नहीं है। और जो एज रेंज है उसको 18 से 60 साल से रिवाइज करके 18 से 65 साल कर दिया गया है। प्लस जो एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर है रुपए कार्ड होल्डर्स के लिए, उसको रेज करके कितना कर दिया है, 2,00,000 रुपए कर दिया गया है इस प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत। और ये जो है इसलिए किया गया है क्योंकि स्कीम को जो है अगस्त 28 2018 के बियॉन्ड भी जो है इसको चालू रखा जाएगा। और इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है, नेशनल मिशन ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन, सो इसी को हम प्रधानमंत्री जनधन योजना भी कहते हैं। तो ये जो है अगस्त 15 2014 को लॉन्च हुआ था, और ये जो है विश्व की सबसे बड़ी स्कीम माना गया है इसे वर्ल्ड बैंक द्वारा। ठीक है, और इसके तहत क्या है कि 53% जो अकाउंट होल्डर हैं वो वुमेन हैं, 59% जो है रूरल और सेमी रूरल रीजन से हैं, और 83% के पास जो है आधार है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑन विच रिवर द रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज बीइंग बिल्ट, सो किस नदी पर रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, सो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है रिवर चेनाब पे जो है इसको बनाया जा रहा है, और ये J&K में बन रहा है। ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर की जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल है जिसके कि चेयरमैन गवर्नर हैं,
गवर्नर होते हैं जिसके चेयरमैन। तो अभी जो गवर्नर कौन है वो है सत्यपाल मलिक। कौन है? सत्यपाल मलिक जो है वहां के गवर्नर हैं, ठीक है। सो उन्होंने जो है कल एक जॉइंट वेंचर फॉर्मेशन को है अप्रूवल दे दिया है। सो ये जो जॉइंट वेंचर है ये सेंटर और स्टेट के बीच में फॉर्म हुआ है, जो कि 850 मेगावाट की रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, इसके निर्माण में जो है काफ़ी कारगर साबित होगी। सो ये जो रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये देखिए, ये आपका जो है, ये मैं अगर जहाँ पे पेन घूम रहा है, ये आपका चेनाब रिवर है, ठीक है, ये आपका चेनाब रिवर है, और यहाँ पे ये जो गोल किया है ये आपका रातले प्रोजेक्ट है, और यहाँ पे जो है ये किशनगंगा प्रोजेक्ट है, ठीक है। सो ये आपके जो है जम्मू एंड कश्मीर में स्थित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है विथ विच कंट्री, सो यू हैव टू टेल विथ विच कंट्री इंडिया साइंड एन MOU ऑन सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन। तो भारत ने किस देश के साथ असैनिक परमाणु सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बुल्गेरिया। सो बुल्गेरिया के साथ भारत ने जो है टूरिज्म और सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन, फिर इसके अलावा जो है इन पे जो है समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए। इसके अलावा जो है एक हिंदी चेयर जो है वहाँ स्थापित किया जाएगा। क्या किया जाएगा? हिंदी चेयर इन सोफिया यूनिवर्सिटी। सो सोफिया यूनिवर्सिटी मतलब कि सोफिया जो है बल्गेरिया की राजधानी है। सो सोफिया यूनिवर्सिटी में जो है एक हिंदी चेयर भी स्थापित किया जाएगा। सो ये जो एग्रीमेंट जो है ये हमारे जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी। कौन? रामनाथ कोविंद जी। सो इनके जो है बल्गेरिया दौरे के दौरान जो है ये इन पे हस्ताक्षर किए गए, ठीक है, रामनाथ कोविंद जी के बल्गेरिया दौरे के दौरान ये हस्ताक्षर किए गए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड यूनिफायर ऑफ मॉडर्न इंडिया। सो यूनिफायर ऑफ मॉडर्न इंडिया नामक किताब के लेखक कौन है? तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है RNP सिंह, और अजीत दोवल ने जो है इस बुक को लॉन्च किया। सो अजीत दोवल कौन है? अजीत दोवाल जो है ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, ठीक है। सो इन्होंने जो है अभी हाल ही में इस किताब का विमोचन किया। सो इस किताब का पूरा नाम है सरदार पटेल यूनिफायर ऑफ मॉडर्न इंडिया, ठीक है। तो इन्हें हम जो है आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं और प्लस बिस्मार्क के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इन्होंने जो है लगभग 534 प्रिंसली स्टेट्स को जो है को मिलाकर भारत एक राज्य बनाया था, ठीक है। सो इसलिए हम बिस्मार्क और जो है क्या जानते हैं इनको, आयरन मैन के रूप में भी जानते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऑफ द डे है। तो आपका जो सवाल है वो ये है कि द पावर हाउस ऑफ सेल इज कॉल्ड, सेल के पावर हाउस को बुलाया जाता है क्या? सेल वॉल, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स या न्यूक्लियस। तो इसका जवाब जो है आप हमारे जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और हम जो है कल इसका जवाब शाम को 6 बजे जब वीडियो लाइव होगा तब देंगे, ठीक है। तो दोस्तों कल तक के लिए धन्यवाद। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, एंड डोंट मिस आर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, विल बी बैक अगेन टुमारो एट 6 PM। सो कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब नाउ, थैंक यू।